अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आवां आहियां रिपोर्टर अरूफ सुमरो। अवां ॾिसी रहिया आहियो स्टार 24 पाकिस्तान न्यूज़। लाकणो आल पाकिस्तान बाबडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन तर्फ़ां पावर कंपनी नशकारी मुलाज़िमनि जी खोट ऐं बिजलीअ जे अघनि में वाध ख़िलाफ़ु सर्कल ऑफिस मां एहतजाजी रैली कढी वई। रैली शहर जे मुख़्तलिफ़ रोडनि रस्तनि तां थींदे जनाबाग चौक ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो वियो, जिते हिननि हथनि में बैनर खणी सख़्तु नारेबाज़ी पिणु कई। रैली जी अॻवाणी रीजनल चेयरमैन निसार अमन शेख, अब्दुल्ला सुमरो, मोहम्मद अमीन कलोड़ो, हादी बख्श जतोई समेत ॿियनि कई। उन मौक़े ते यूनियन अॻवाणनि चयो त सेपको जी नशकारी सां न सिर्फ़ु सरकारी मुलाज़िमनि जा हक़ मुतासिर थींदा, पर सार्फियुनि खे बि बिजली महांगी ऐं ख़राबु सर्विस फराहम करण जो ख़दशो आहे। बिजली अघनि में लॻातार वाध सबबु अवाम ॾुखियाईनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे ऐं हुकूमत खे बिजली अघनि खे घटाइण ऐं बिजली फराहम में बहितरी आणण लाइ क़दम खणणु घुरिजनि। हिननि चयो त मुलाज़िमनि जी खोट सबबु उन्हनि ते कम जो वधीक भार पइजी रहियो आहे, जंहिं सबबु बिजली फराहमी में पिणु मसइला पेश अची रहिया आहिनि। हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन जी अॻवाणनि हुकूमत खां मुतालबो कयो त सेपको जे निजकारी जे फ़ैसिलो वापसि वठी ऐं मुलाज़िमनि जी खोट खे ख़तमु करण लाइ न्यू भर्तियूं करण सां गॾोगॾु बिजलीअ जे अघु घटि करणु आम माण्हुनि खे रिलीफ़ फराहम कयो वञे। जो के हमारे फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुंसलिक है, जो हमारे एनर्जी डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, जिस तरह के हमारी जो भर्ती है वो हमेशा होती थी और उसमें हमारे 20% कोटा रखी हुई है, लेकिन वो आज तक नहीं हो रही, उस पर पाबंदी आयद की हुई है। क्योंकि हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें ये सवाल होता है कि हम बूढ़े हो गए, हम रिटायर हो गए, हमारा बच्चा भर्ती नहीं हो रहा है। लिहाजा ये जुल्म है और ये नाइंसाफ़ी है, जबकि इस मुल्क में अपने मन पसंदी के ऊपर अपने जो लोग इनके पसंद वाले हैं उनको तो वो बगैर इंटरव्यू के, बगैर किसी काल के अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपने सेक्रेटरी साहब से, अपने मिनिस्टर साहब से ये मुतालबा करते हैं कि जो आयद पाबंदी है वो जल्द अज जल्द ख़त्म की जाए। दूसरी बात, यहाँ पर जो बिजली रोज़ाना महंगी होती है और जिस तरह टैरफ में जिस तरह उन्होंने अभी जो शेड्यूल दिए हुए वो इतने महंगे हैं कि हमारा लाइनमैन जो है, हमारा स्टाफ जो है, उसको रिकवर करना इतना दुश्वार हो जाता है, तो हमारे साथ साइट पे, हमारे साथ फील्ड में झगड़े होते हैं। मैं ये मुतालबा करता हूँ अपने सेक्रेटरी साहब से, मिनिस्टर साहब से, कि हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, रेंजर्स का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए जिस तरह दूसरे शोबों को दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे बच्चे जो दौरान सर्विस मर जाते हैं और शहीद हो जाते हैं, उनके बच्चे लमसम पे जो भर्ती हो रहे हैं वो लमसम पैकेज ख़त्म किया जाए। और अब जो हमारा कंपनी का मसला है, इस कंपनी में हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं, उसके लिए मैं अपने आनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव, आनरेबल HR डिपार्टमेंट, GM HR और अपने आनरेबल जो चेयरमैन BOD है उससे भी मुतालबा करता हूँ कि हमारे डिप्लोमा होल्डर जो जहाँ LSS की कमी है वहाँ पर वो उनको प्रोमोट करके और उनको जो है जब तक भर्ती हो उनको प्रमोट करके वो डिप्लोमा होल्डर है और पूरी कंपनी उनमें हो रहा है। हमारे यहाँ वो कोटा भी नहीं इनांस की रही और जो भर्ती हो जो प्रमोशन जो ऊपर तक बातें पहुँचाएंगे, पहले उनकी शुक्रिया अदा करते हैं मीडिया वालों के। आज जो हमारी ये रैली है ये हमारे पूरे पाकिस्तान में है, मुल्कगीर हड़ताल है, समझो रैली है, उसमें ये हमारे मुतालबात हैं कि जितने भी हमारे मुलाज़मीन के जो हुकूक़ हैं वो नहीं पूरे हुए, उसके हुकूक पूरे करने के लिए हम मुतालबा करते हैं अपने CO साहब से, BOD चेयरमैन साहब या सेक्रेटरी वापडा, कि हमारे मजदूरों के जितने भी हुकूक हैं, भर्तियाँ हैं और काफ़ी मसले हैं वो हमारे पूरे करें और हमारे जो मसले हो रहे हैं साइडों पे, हमारे पास TNP नहीं है, नाकस मटेरियल है वापडा में, तो उनका पूरे कर, लेबर की शार्टेज है, हमारा वापडा मुलाज़मीन के जो बेटे हैं उनकी अपॉइंटमेंट की वो जो है वो रही हुई है, उनके लिए अपने आज जो रैली निकाली है ये हमारे मुतालबे है। आज हमारा योम मुतालबात की जो रैली निकाली गई है ये शार्टेज ऑफ स्टाफ के लिए हमने रैली निकाली है। हमारा मजदूर एक बंदा जो है 20 बंदों का काम करता है, रोज साइडों पे जो हमारे साथ मसले होते हैं उनके लिए हम अपनी गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हमें फिल फोर जो है आर्मी या अपना रेंजर्स दी जाए ताकि हमारे बंदे सेफ रहे
और उसके बाद जो है निजकारी जो की जा रही है उसके खिलाफ आज हम सड़कों पे आए हैं। अगला जो लाए अमल होगा वो हम अपने बड़ों के हुक्म पे करेंगे। आप दोस्तों की बड़ी मेहरबानी। आज आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन की तरफ से पूरे पाकिस्तान में जो हम एहतजाज कर रहे हैं उस एहतजाज का मकसद हमारे मुतालबात हैं। ख़ास तौर पे हमारी जो कंपनीज़ हैं उन कंपनीज़ में हमारी शॉर्टेज स्टाफ शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो गई है। 20 बंदों की जगह 2 बंदे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हादसा रूनमा होते रहते हैं। आप देखते रहते हैं, आप मीडिया के लोग हैं, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, खबरों में भी देखा होगा, कभी कोई लाइनमैन कहीं शहीद हो जाता है, कभी कोई लाइनमैन शहीद हो जाता है। तो हमारी अथॉरिटीज़ है, हमारा मुतालबा है कि बराए मेहरबानी हमें सब तफ़ज़ा दिए जाएं। सबसे पहले जो हमारे लोग जो थोड़ी मकदार में रह गए हैं वो अगर साइडों पे जाते हैं तो वहाँ उनको मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ सामने आ जाते हैं जिसमें झगड़े भी हो जाते हैं, जिसमें उनको परेशानियाँ भी लाग होती हैं। बराए मेहरबानी आइंदा के लिए हमें तहफ़ भी दिया जाए, हमें रेंजर्स दी जाए, हमें पुलिस दी जाए ताकि हम आसानी से अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने मुल्क के लिए काम कर सकें। यह है Star 24 पाकिस्तान नेटवर्क और आप देख रहे हैं Star 24 न्यूज़ पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी का चैनल।